Hey strangers, back in another vlog. तो ये vlog आने की काफी देर से finals थे, फिर बुखार हो गया. चलें जी, आज का जो vlog है वो सही के बारे में, सफा मरवा ये basically उसके पीछे story क्या है, सही करते कैसे हैं, मतलब सही के दौरान दुआएं हम कौन सी पढ़ सकते हैं. तो चलें फिर शुरू करते हैं. तो स्ट्रेंजर्स, ये रास्ता जाता है सफ़ा मरवा की तरफ, जिसे मसा भी कहा जाता है. मसा मतलब सही करने की जगह, और सफ़ा और मरवा के साथ चक्कर लगाने को हम लोग सही कहते हैं. बेसिकली जिस जगह मैं जा रहा हूँ वो ग्राउंड फ्लोर था, इसके नीचे एक बेसमेंट है और ऊपर दो फ्लोर्स हैं. जो लोग पहले उमरा कर चुके हैं और ज़ियारतें कर चुके हैं तो उनको ये पता होगा कि बेसिकली सही करने के ना 3 से 4 फ्लोर्स हैं. तो जैसा आप देख सकते हैं, काफ़ी सारे लोग यहाँ से जा रहे हैं, आ बहुत ही कम रहे हैं, कोई 200-300 लोगों में से एक दो आ रहे हैं. क्योंकि बेसिकली ना ये जाने का रास्ता है, आने का रास्ता दूसरी तरफ से है. और जब बंदा अपनी सही मुकम्मल करता है तो वो जाके मरवा पे मुकम्मल करता है और सफ़ा से स्टार्ट करता है. तो बेसिकली मरवा के थोड़ा सा आगे ही बैठ जाने के रास्ते तो लोग वहाँ से ही चले जाते हैं. वापसी सफ़ा से आके बहुत ही कम लोग वापसी जाते हैं. ये जो आप देख सकते हैं अमला यहाँ 24 घंटे मौजूद रहता है. यहाँ पे अक्सर बंदे को काफ़ी ठंड लगती है क्योंकि एसी 24 घंटे चलते रहते हैं ताकि हब्स वगैरह ना हो. और यहाँ काफ़ी सारी सहूलियात भी दी गई हैं, बंदा यहाँ गुम नहीं होता. आप सामने देख सकते हैं लिखा हुआ है अरबी में भी और इंग्लिश में भी, टू मसा मतलब सही करने की जगह. तो अगर यहाँ बंदा कन्फ्यूज़ होने का, यहाँ बंदे के पास कोई चांस नहीं होता. अगर आपको थोड़ी सी भी इंग्लिश आती है तो आप यहाँ गुम नहीं होंगे. यहाँ सिक्योरिटी भी मतलब हर वक्त रहती है और बैरियर्स भी पड़े ताकि भगदड़ ना मचे. तो स्ट्रेंजर्स, मैंने शुरू की अपनी सही सफ़ा से, और अब मैं मरवा की तरफ जा रहा हूँ. सफ़ा से मरवा के दरमियान हमें काफ़ी सारी चीज़ें साइड पड़ी हुई और देखने के लिए मिलती हैं. साइड पर डस्टबिन वगैरह भी पड़ी होती हैं क्योंकि काफ़ी सारे लोग यहाँ के खजूर वगैरह बांटते हैं, या फिर कभी कभी इंसान टिशू वगैरह यूज़ करता है तो उसके लिए डस्टबिन हैं ताकि जगह गंदी ना हो चलने वालों के लिए. उसके अलावा यहाँ पंखे भी लगे हुए हैं, छत वाले पंखे भी हैं और दीवारों वाले पंखे भी हैं, ब्रैकेट फैंस भी हैं और वॉल फैंस भी हैं. उसके अलावा कैमरे भी लगे हुए हैं मुसलसल मोनिटरिंग के लिए, और घड़ी वगैरह भी लगी हुई है ताकि इंसान को वक्त का अंदाज़ा होता रहे. जो पंखे लगे हुए हैं वो बस यही काम करते हैं कि एसी की हवा रेगुलेट करते रहें, सब तक पहुँचे, बेसिकली स्पेसिफिक डायरेक्शन में ना जाए. इसके बाद कुरान पाक भी यहाँ तकरीबन हर पड़े हुए हैं, मतलब पाकिस्तानी तलफ़ का भी एक पड़ा हुआ है, एक उनके अरबिक तलफ़ का है, और एक जैस तरीके से मतलब जो मुल्क ज़्यादातर आते हैं उनके तलफ़ के कुरान पाक पड़े हुए हैं. ये जो आप ग्रीन लाइट्स देख रहे हैं ये बेसिकली वो जगह है जब बीबी हाजरा अलैहिस्सलाम भागी थी, और इस ग्रीन लाइट के नीचे मर्दों को भागने का और औरतों को तेज़ चलने का मतलब तेज़ चलने की तरीके सही में शामिल है. उसके बाद इस ग्रीन लाइट के बाद आगे मरवा पे जाते हैं. फिर जब मरवा से सफ़ा में आ जाते हैं फिर भी एक ऐसी ग्रीन लाइट आती है. यहाँ उसके बाद सफ़ा और मरवा के दौरान आब जमज़म की काफ़ी सारे कूलर्स लगे हुए हैं ताकि अगर कोई बंदा थक जाता है या फिर सही करने के बाद पानी पीना चाहता है तो वो आब जमज़म से फैज़ याब हो सके. आब जमज़म के साथ भी काफ़ी सारी डस्टबिन लगी हुई हैं क्योंकि वो गिलास आप नीचे ना फेंकें, डस्टबिन में फेंकें. उसके बाद अब सही होती है, और सही के पीछे बड़ा वाक्या आ गया. सही होती है बेसिकली सफ़ा मरवा के साथ चक्कर लगाने को हम सही कहते हैं. अब सफ़ा से मरवा एक चक्कर, मरवा से सफ़ा दूसरा चक्कर, और इसी तरीके से सफ़ा से स्टार्ट होने वाली सही मरवा पे जाके मुकम्मल हो जाती है. अब सही के पीछे वाक़या क्या, सही जो है वो सुन्नत है बीबी हाजरा अलैहिस्सलाम की, या ये कह दें ये एक सुन्नत है एक माँ की जो अपने बच्चे के लिए पानी ढूंढती होती है.
تو جب اللہ پاک کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام، بی بی حاجرہ علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ادھر چھوڑ کے گئے، تو اس کے بعد جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیاس لگی تو بی بی حاجرہ انہی دونوں پہاڑوں کے درمیان پانی تلاش کرتی رہ گئی، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ آب زمزم کا کنواں بالکل خانہ کعبہ کے ساتھ ہے، تو یہاں سے اگر خانہ کعبہ کو دیکھا جائے تو وہ واضح طور پہ دیکھا جا سکتا ہے۔ تو کہا جاتا ہے کہ جب بی بی حاجرہ علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے پانی ڈھونڈ رہی تھی تو پانی بھی ڈھونڈ رہی تھی، اور ساتھ ساتھ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھی مسلسل دیکھ رہی تھی، کیونکہ ایک ماں کا دل ہوتا ہے وہ پانی تو دیکھ رہی ہوتی ہے لیکن اسے اپنے بچے کی بھی سیفٹی کی پرواہ ہوتی ہے، تو وہ مسلسل پانی بھی ڈھونڈ رہی تھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے، اور وہ مسلسل حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دیکھ بھی نہیں تھی کہ وہ کوئی چیز نہ جائے ان کے قریب، کیا وہ صحیح ہیں یا نہیں ہیں۔ تو ہم بیسکلی بس ان کی سنت کو فالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ہمیں بھی پتہ چل سکے کہ انہوں نے کتنی تکلیفیں اٹھائیں، کتنا سیکریفائز کیا۔ تو بس یہی ہے کہ مکہ کی کہتے ہیں کہ سرزمین کافی سخت ہے، انسان کے گناہ کھینچ لیتی ہے، اور واقعی جو انسان ریگولر طور پہ واک نہیں کرتے یا پھر ہمیں موٹے سول سے چلنے کی عادت ہے ہم لوگوں کو، تو یہ والی جو زمین ہے صحیح کی ہے کافی سخت ہے۔ دو تین چکروں کے بعد یا دو تین آپ جب مکمل کر لیتے ہیں، ایک بار صفا سے مروا، مروا سے صفا، تو آپ کے سول میں بڑا درد ہونا اسٹارٹ ہو جاتا ہے۔ تو میرا تو یہی ہوگا سب کو کہ اگر آپ کا عمرے یا حج کا پلان ہے تو آپ لوگوں کو چھوڑ پتلے سول سے چلنے کی بہت زیادہ کوشش کرنی چاہیے۔ میری خود ٹانگ میں رگیں میری چڑھ گئی تھیں پہلے عمرے کے بعد، میں تو پھر 7-8 دن تک تو صحیح طریقے سے چل بھی نہیں سکا تھا، اور مکمل ٹھیک ہوا تھا میں 20 دنوں بعد جا کے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی۔